नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शुरुआत करते हैं सुबह समाचार की इस वक्त की खास सुर्खियों के साथ। एनसीआर में 30 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, पूर्व सीएम हुड्डा के घर पर मौजूद अधिकारी। जोधपुर फैक्ट्री के पास मिला मोर्टार बम, पुलिस मौके पर। कानपुर देहात में एक बार फिर प्रशासन हुआ फेल, करीब डेढ़ दर्जन से अधिक गौवंशों के शव फिर से बरामद। और अब खबरें विस्तार से। राजापुर थाना क्षेत्र के खास बरा गांव के समीप स्थित नहर में कल सुबह डेढ़ दर्जन से अधिक गौवंश और कुछ अन्य जानवरों के शव पाए गए, जिसे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसके बाद फिर उपजिला अधिकारी सिकंदर विजेता सिंह ने खबर कवरेज हेतु पहुंचे स्थानीय पत्रकारों को खबर कवरेज करने से मना कर दिया, जिसे बहुत से लोग आक्रोश में भर आए और मीडिया कर्मी भी गुस्से में नजर आए। सारे मीडिया कर्मियों ने जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी द्वारा हस्तक्षेप के बाद पत्रकारों को खबर कवरेज करने दी गई। स्थानीय थाना पुलिस ने जेसीबी मंगाकर मृतक जानवरों के शवों को निकालने का कार्य शुरू किया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टीम के साथ पहुंचकर मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट सुरक्षित रखी। वहीं ग्रामीणों के अनुसार भारी मात्रा में हुए पशुओं की मौत पर बताया कि सामान्यतः संभवतः गौवंशों का वध करके यहां बहा दिया गया होगा, जो घटना करीब 2 दिन पुरानी प्रतीत हो रही है। जिला बनने जा रहे उपखंड बालोतरा की यातायात व्यवस्था में इन दिनों काफी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। रेलवे लाइन से 2 भागों में बंटे बालोतरा को ओवरब्रिज की आवश्यकता पिछले कई सालों से है, जो राजनीतिक मुद्दा बनने के कारण नहीं बन पाया। रेलवे फाटक बंद होने से एक लंबे जाम से लोगों को काफी परेशानी होती थी, परंतु पिछले दिनों में हुए महत्वपूर्ण निर्णय से लोगों को इस परेशानी से निजात मिल चुकी है। वहीं लोगों की मनमर्जी से वाहन पार्किंग किए जाने पर पहले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, किंतु इन दिनों यातायात पुलिस द्वारा चालान काटे जाने के डर से शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिल रहा है। झुंझुनू में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जागरूकता रैली निकाली गई। जेपी जानू स्कूल से निकाली गई इस जागरूकता रैली को जिला कलेक्टर रवि जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडीएम राजेंद्र अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले एसडीएम अलका विश्नोई ने सभी लोगों को मतदाता दिवस की शपथ दिलवाई। इसके बाद रैली मुख्य मार्गों से होते हुए नेहरू पार्क पहुंची, जहां रैली में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुषों की जीवंत झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के अलावा स्काउट्स गाइड ने भी हिस्सा लिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के निवास समेत दिल्ली एनसीआर की 30 जगहों पर सीबीआई ने कल छापेमारी की। जिस समय सीबीआई हुड्डा के घर पर सीबीआई पहुंची, उस वक्त वो घर पर ही मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ये छापे कथित भ्रष्टाचार के मामले में मारे गए हैं और घर के अंदर सीबीआई के कई अधिकारी पहुंचकर जांच की और पूरा घर खंगाला। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत नया मुद्दा दर्ज किया गया है, जिसमें करीब कई कांग्रेसी नेताओं के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर अलमारियों के ताले खोलने के लिए 2 एक्सपर्ट बुलाने पड़े और करीब 1 घंटे तक ये टीम अंदर रही। बाहर निकलकर रमेश हरदास सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 6 से 7 अलमारियों के लॉक खोले हैं। वहीं छापेमारी के विरोध में हुड्डा समर्थकों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। छापेमारी की खबर फैलते ही समर्थक हुड्डा के आवास के बाहर पहुंचकर धरना देने बैठ गए। जोधपुर के मंडोर में एक फैक्ट्री के पास मोर्टार बम मिला। कल यह बम मिला और यह फैक्ट्री शहर के मंडोर में स्थित है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लोगों को मोर्टार बम दिखाई दिया तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के वहां पहुंचने पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और इस दस्ते ने बम को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक बम को भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर ले जाकर डिस्पोजल की प्रक्रिया की गई। इस बम पर 29 2A और 51 mm लिखा हुआ था। अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि बम यहां कैसे आया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। घटना से जुड़ी बाई की जानकारी का भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल जहाँ बम मिला वहां से कुछ दूरी पर
सैन्य क्षेत्र भी है, ये काफी चिंताजनक बात है। मेरे रिपोर्ट्स के अनुसार कई बार सैनिक सेना से स्क्रैप खरीदने वाले उस मोर्टार बम मिलने पर उसे सुनसान क्षेत्र में छोड़ जाते हैं। ये बम उस समय मिला है जब 3 दिन पहले ही दिल्ली से आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, जो दिल्ली में बड़े पैमाने पर हमला करना चाह रहे थे। इन्होंने इंडिया गेट, राजगेट, राजघाट, लाजपत नगर मार्केट, पालिका बाजार और राजपथ पर ग्रेनेड से हमले की साजिश रची थी। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे कुछ और खास खबरें लेकर। बलिदान है मेरा तिरंगा, मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। विक्रम विश्नोई, प्रबंधक RSM इंटरनेशनल स्कूल की ओर से 70वीं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत के सभी नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस दिन हमारा प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। विक्रम सिंह विश्नोई नमन करते हैं उन महान देशभक्तों को जिन्होंने भारत को संविधान दिया और देश को इतना ताकतवर बनाया। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। 26 जनवरी 2019 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नगरपालिका मंडल अभरोड की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अभरोड नगरवासियों से अभरोड शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए विनम्र अपील है कि 4 जनवरी 2019 से स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ हो चुका है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर आप ऑनलाइन फोटो डाल सकते हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने हेतु कूड़ा करकट कचरा नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थल पर ही डालें। प्लास्टिक कैरी बैग और पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। खुले में शौच ना जाएं। अपने घरों में शौचालय अवश्य बनाएं और इस हेतु राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। निवेदक सुरेश सिंदल, अध्यक्ष नगरपालिका आबुरोड। गणेश आचार्य, उपाध्यक्ष नगरपालिका आबुरोड। नरगिस कायम खानी, प्रतिपक्ष नेता नगरपालिका आबुरोड। और सुनील कुमार शर्मा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आबुरोड। इसके साथ पार्षद सर्वश्री आशा बंजारा, अमर सिंह, दीपक राणा, मदन दान चारण, मोहनलाल राणा, सुमित जोशी, हरीश गुप्ता, दीपक सैनी, रेखा जीनगर, विजय गोठवाल, कांतिलाल परिहार, आबिदा बेगम, कमला पंजवानी, योगेश सिंगल, जीपी सिंह, रीना शाक्य, अनुराधा जैन, संतोष कुमारी परिहार, अमित कुमार सांबरिया, पूजा राणा, मीनू सैनी, मदन सिंह, रितेश सिंह, रश्मि शाक्य, किरण कुमार रैगर, कमलेश सैनी एवं समस्त नगर पालिका कर्मचारीगण। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ग्राम पंचायत गरवाड़ा, पंचायत समिति बकानी, सरपंच श्री राघु सिंह तंवर और ग्राम विकास अधिकारी श्री बालचंद वर्मा की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, लाखों जवानों का ये बलिदान है।
पंचायत नानौर, पंचायत समिति बकानी, सरपंच सुश्री पुष्पाबाई सौंधिया, ग्राम विकास अधिकारी श्री महावीर प्रसाद मीणा, कनिष्ठ लिपिक श्री विजय कुमार वर्मा और रोजगार सहायक श्री प्रेमचंद मेहर की ओर से सभी देशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ग्राम पंचायत पाटलिया कुलमी, पंचायत समिति बकानी, सरपंच श्री दुर्गालाल मेघवाल और ग्राम विकास अधिकारी श्री रविंद्रन एमएस की ओर से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा तिरंगा मेरे लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा पंचायत नानौर, पंचायत समिति बकानी, सरपंच सुश्री पुष्पाबाई सौंधिया, ग्राम विकास अधिकारी श्री महावीर प्रसाद मीणा, कनिष्ठ लिपिक श्री विजय कुमार वर्मा और रोजगार सहायक श्री प्रेमचंद मेहर की ओर से सभी देशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। प्रधान शिव कुमारी, पत्नी आत्माराम, ग्राम प्रधान करमुल्लापुर ब्लॉक छिबरा मऊ जनपद कन्नौज की तरफ से 70वें गणतंत्र दिवस की सभी जनपद और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, तिरंगा मेरी पहचान है। जयंतीलाल चौधरी, समाज सेवी मंडार की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। देशनोक को स्वच्छ और सुंदर बनाने में देशनोक नगर पालिका द्वारा जारी स्वच्छ भारत अभियान की पूर्ण सफलता के लिए सभी नगरवासियों का सहयोग अपेक्षित है। आइए इस गणतंत्र दिवस आप और हम मिलकर विश्व विख्यात करणी धाम देशनोक को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रण लेते हैं। आप सभी सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाएं, पालिका के कचरा पात्रों में ही कचरा डालें, घर का कचरा पालिका के घर घर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। सौजन्य से नगर पालिका मंडल देशनोक बीकानेर।
पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। प्रवीण बोराणा, समाजसेवी, रायपुर की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। मगन चौधरी, जालमपुरा, स्वच्छता प्रकल्प प्रकोष्ठ, भाजपा सिरोही। तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ग्राम पंचायत गरवाड़ा, पंचायत समिति बकानी, सरपंच श्री राघु सिंह तंवर और ग्राम विकास अधिकारी श्री बालचंद वर्मा की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ग्राम पंचायत रिजोन, पंचायत समिति बकानी के सरपंच श्रीमती आशा शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय उपाध्याय और समाज सेवी श्री विनोद शर्मा की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ममता शर्मा, अध्यक्ष सर्व गोत्रीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश, और अमरचंद शर्मा, प्रभारी सर्व गोत्रीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरा तिरंगा मेरी पहचान, लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है मेरा अरमान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ममता शर्मा, अध्यक्ष सर्व गोत्रीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश, और अमरचंद शर्मा, प्रभारी सर्व गोत्रीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, लाखों जवानों का ये बलिदान है,
पहचान है। ग्राम पंचायत कुशलपुरा, पंचायत समिति बकानी, सरपंच श्रीमती गीताबाई तंवर, समाज सेवी श्री गोवर्धन तंवर, ग्राम विकास अधिकारी श्री रेशम मीणा और पूर्व सरपंच श्री ओंकार सिंह तंवर की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ग्राम पंचायत झिझनिया, पंचायत समिति बकानी, सरपंच श्रीमती रामकन्याबाई, ग्राम विकास अधिकारी श्री कालूलाल लोधा और समाज सेवी श्री पूनम चंद्र लोधा की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ग्राम पंचायत रटलाई, पंचायत समिति बकानी, सरपंच सुश्री अनिता गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी बाल मुकुंद मेघवाल, समाज सेवी एवं पूर्व सरपंच छगनलाल गुर्जर और कनिष्ठ लिपिक मंजुलोहार की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कसेर कला प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर विराज की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। लाखों जवानों का ये बलिदान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हमला करना चाहते थे। इन्होंने इंडिया गेट, राजघाट, लाजपत नगर मार्केट, पालिका बाजार और राजपत पर ग्रेनेड से हमले की साजिश रची थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों से जो ग्रेनेड बरामद किए गए हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। आतंकी अब्दुल लतीफ जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 महीने में जितने भी ग्रेनेड हुए हैं उनका मास्टरमाइंड रहा है। आतंकी ग्रेनेड और हथियार जम्मू कश्मीर से लेकर आए थे। गिरफ्तार आतंकी अब्दुल लतीफ और हिलाल अहमद बट का हैंडलर पाकिस्तानी अबू मौज उर्फ अबू बकर है। अबू बकर ने ही आकिब के जरिए अब्दुल लतीफ को नवंबर 2018 में काफी सारे ग्रेनेड दिए थे। अब अबू बकर के कहने पर वो लाल चौक जम्मू कश्मीर गया था और वहां पर उसे आकिब मिला था। आकिब 2 दिन अब्दुल लतीफ के घर रुका था और आकिब ने ही उसे करीब 1.5 दर्जन ग्रेनेड, पिस्टल और करीब 20 कारतूस दिए थे। अबू मौज ने ही अब्दुल लतीफ को ग्रेनेड से जम्मू कश्मीर की में पुलिस और सेना और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमला करने के निर्देश दिए थे। अब्दुल लतीफ पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करता था। सेना पर पत्थरबाजी के आरोप में वर्ष 2016 में सदर गंडरबल थाना पुलिस ने उसे 2 बार गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद उसके पिता इखवान फिलहाल सरेंडर कर चुके आतंकवादी हैं। आतंकी से पूछताछ में बताया कि वह नवंबर 2018 में हवाई जहाज से दिल्ली आए थे और हिलाल अहमद ने एयर टिकट्स का इंतजाम किया था। अब्दुल लतीफ ने इंडिया गेट, राजपथ और राजघाट आदि वीआईपी जगहों की रैकी भी की थी। धार्मिक जगहों और भीड़ भाड़ वाली जगहों आदि की फोटो खींची थी और हैंडलर अबू मौज को व्हाट्सएप पर भेजी थी। मगर फिलहाल ये आतंकवादी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है।
भरतपुर जिले के बयाना और रूपवास इलाके में फिर से माउंट की जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। बीते चार दिनों में दूसरी बार हुई जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है, जिससे शीत लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बयाना में बीते आज हुई बारिश रात भर रुक रुक कर होती रही थी, जो शुक्रवार को सुबह 15 mm वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई। वहीं ओलावृष्टि से कई गांवों में खेतों में खड़ी सरसों और हरी सब्जियों को भी काफी नुकसान हुआ है। ये जो ट्रॉली की स्थिति देखो, क्या बर्फ की चादर देखो, कितनी बर्फ पड़ी हुई है। और ये गांव वाले खड़े हुए हैं, हालत खराब कर दी है इन्होंने, लाया सब नाश करके फेंक दिया, देखो सब जरा दिया। जोधपुर के ऊसिया तहसील परिसर स्थित पंचायत समिति सभागार भवन में शुक्रवार को मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर की अध्यक्षता में किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रैगर ने संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र के असली निर्माता हैं। मतदाता के आधार पर सरकार का गठन होता है। इस दौरान छात्र छात्राएं बीएलओ और नव मतदाता भी उपस्थित रहे। उपखंड मुख्यालय बौली में परसों IFWJ की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार सुरक्षा की मांग को लेकर SDM विजेंद्र मीणा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व में कवरेज के दौरान पत्रकार समुदाय पर हुए हमलों से आज संघ के सदस्यों ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की। इस अवसर पर उपखंड क्षेत्र बौली के संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, महामंत्री आशीष मित्तल, दीपक गिरी, खुजीलाल मीणा, राजेश गुर्जर, विष्णु शर्मा, श्रवण वर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। राजकीय विद्यालय मतोड़ा में शुक्रवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी बीरबल राम मेघवाल ने युवा मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान का उपयोग लोकतंत्र में पूर्ण आस्था, मर्यादा का पालन, स्वतंत्र और शांतिपूर्वक निर्वाचन की गरिमा का अनुसरण रखते हुए निडर होकर मतदान और समुदाय भाषा के प्रभाव से बिना प्रभावित हुए मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान ग्रामीणों की मौजूदगी में मतदाता दिवस संपन्न किया गया। मतदाता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बयाना में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें स्कूली छात्र छात्राओं सहित अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर कस्बे के राजकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निर्वाचन और उपखंड अधिकारी JP आर्य ने उपस्थित नव मतदाता रूपी सभी छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने और संविधान का सम्मान और कानून की पालना करते हुए शपथ दिलाते हुए चुनाव और मतदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अनिल गुप्ता सहित अन्य शिक्षक आदि भी मौजूद रहे। खंडार उपखंड क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अवस्था में उरई नदी के पास घूमते हुए 18 युवकों को गिरफ्तार कर थाना बहरामंडा कला ले गए, जहां पर सभी युवकों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके उपरांत युवकों की संदिग्धता देखते हुए सभी युवकों को इंडियन कानून धारा 151 में बंद कर दिया गया। भीलवाड़ा वाणिज्य कर विभाग ने गुरुवार को एक फर्म पर कार्रवाई कर 2 करोड़ रुपए के बोगस बिलिंग के मामले में खुलासा किया। विभाग ने 3 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप और अन्य दस्तावेजों को जब्त कर विभाग के अधिकारियों का दावा किया है कि GST लागू करने के बाद में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। माना जा रहा है कि फर्म एक है, लेकिन उसके माध्यम से करोड़ों रुपए का व्यापार किया जा रहा था। इस जांच में CA का लाइसेंस रद्द होगा, ऐसा अधिकारी ने बताया। जब से ये GST रेजिम चालू हुआ है तो साल भर तक तो सरकार इतनी सक्रिय नहीं थी। डिपार्टमेंट लोगों को समझाने में, उनको शिक्षित करने में था कि GST एक सरल कानून है, उसको लागू करने में हम लोग रहे। तो उसके उलट कुछ व्यापारियों द्वारा ऐसी शिकायत आ रही थी बार बार कि सर हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, कुछ फर्जी बिलिंग सर्कुलर बिलिंग लोग कर रहे हैं। उस आधार पे हमने जांच करवाई गोपनीय रूप से, तो एक CA फर्म के यहाँ ये पाया गया कि करीब 10 से 15 फर्म है उसने अपने लेवल पे चला रखी है, जिसमें व्यापारी तो मौजूद है बट बिलिंग वो खुद करते हैं और सर्कुलर और बोगस बिल वो जारी कर रहे थे। इस आधार पे हमने कार्रवाई करी श्रीमान संयुक्त
आयुक्त रामलाजी चौधरी के निर्देश पर टीम गई तो वहां करीब 10 से 15 फर्मों के फर्जी बिल बुके पाई गई और संदेह के आधार पर हमने वहां 3 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर और करीब 15 फर्मों की फाइलें जब्त करके सीज करके लिया है। अब उसकी जांच जारी है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन इसमें पाए जाने की संभावना है। और भी कई कार्रवाई चल रही है सर इसे? इस तरह की कार्रवाई बीच में जयपुर की कार्रवाई के निर्देश में हमने राजसमंद में भी कार्रवाई करी है तो कुछ लोगों ने सरेंडर होकर कुछ टैक्स और ब्याज के रूप में पैसा जमा कराया है। आपका नाम सर? बाल मुकुंद महेश्वरी, सहायक आयुक्त वृत्त प्रतिक्रा पंचन भीलवाड़ा। थैंक यू। जो कल सीए फर्म के यहाँ जो कार्रवाई की गई है, प्रथम दृष्टया ये जो फर्जी जो फर्में बनाकर बोगस बिल जारी कर रहे थे और उनका पेमेंट और जो कई इनके जो जीएसटी के जो इनके रिटर्न्स वगैरह उनके द्वारा सभी काम किया जा रहा था सर, और इनके द्वारा जो प्रथम दृष्टया जो बोगस प्रतीत होती थी फर्में, इनका सभी रिपोर्ट सर्च एक्टिविटी हमारी टीम द्वारा किया लेके आए हैं। अभी इसकी ऑडिटिंग की जा रही है, ऑडिटिंग के बाद ही इनके जो ट्रांजेक्शंस और इनका वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। मैं कनाराम, सहायक आयुक्त। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।